नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ आलोक। कश्मीर को लेकर अमेरिका भारत के साथ है और आज मोदी के साथ ट्रंप का याराना एक बार फिर फ्रांस में देखने को मिला, जब दोनों नेताओं ने एक साथ मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है और इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। आज मोदी और ट्रंप की तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर पाकिस्तान जल भुन कर राख हो गया होगा, क्योंकि ट्रंप ने मोदी की मौजूदगी में सारी दुनिया से यह कह दिया कि कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है और दोनों इसे आपस में सुलझा लेंगे। वहीं इस पर केंद्र सरकार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का साथ मिल गया। शनिवार को विपक्षी नेताओं का एक दल राहुल गांधी के नेतृत्व में कश्मीर पहुंचा था, लेकिन उन्हें श्रीनगर से वापस दिल्ली भेज दिया गया था, जिसको लेकर विपक्ष घाटी में माहौल को लेकर सरकार पर चौतरफा हमले कर रहा था। आज मायावती ने कश्मीर जाने की जिद करने वाले विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इलाके में शांति स्थापित होने तक इंतजार करना चाहिए। मायावती ने कहा कि बिना अनुमति कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं को कश्मीर नहीं जाना चाहिए था। तो सबसे पहले जरा आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में चल रहे G7 समिट से इतर गरम जोशी से मिले। दोनों नेताओं के बीच गहरी दोस्ती की छाप देखने को मिली। जरा तस्वीरें देखिए आप। मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के साथ मजाक करते नजर आए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही। दरअसल पीएम मोदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आप लोग हमें बात करने दीजिए, हम दोनों बात करते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को जानकारी भी दे देंगे। और इस पर मजाक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते। और इसके बाद तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ये तस्वीरें इसलिए भी दिखाना ज्यादा जरूरी था। और उसके बाद फिर पीएम मोदी ने हंसते हुए ट्रंप का हाथ पकड़कर जोर से थपकी दी और ये देखकर वहां मौजूद लोग भी हंसी रोक नहीं पाए। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। कश्मीर को लेकर अमेरिका भारत के साथ है और आज मोदी के साथ ट्रंप का याराना एक बार फिर फ्रांस में देखने को मिला, जब दोनों नेताओं ने एक साथ मीडिया से बात करते हुए यह कह दिया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। तो G7 समिट में इतर गर्मजोशी से यह मुलाकात हुई। तो मोदी और ट्रंप की यह यारी इमरान को कहीं ना कहीं पड़े ना भारी, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ मायावती ने जो आज ट्वीट किया है उस पर भी बात करेंगे। बिना कुछ देर किए हुए जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद श्रीवास्तव जी हैं। हरीश जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। SR दारापुरी जी हैं, दलित चिंतक। SR दारापुरी जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। पवन धवन जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। पवन जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। एक बार जरा मैं अपने PCR सहयोगी से कहूंगा कि वो तस्वीर एक बार फिर से दिखाएं, ताकि हम उसी तस्वीर को लेकर के आए हुए मेहमानों से सबसे पहले सवाल करना चाहेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में चल रहे G7 समिट से इतर गर्मजोशी से मिले और दोनों नेताओं के बीच गहरी दोस्ती की एक छाप देखने को मिली। हरीश जी, जो तस्वीर अभी हमने फिर से दिखाई आपको, मैं चाहूंगा अनिल एक बार आप फिर वो फुल स्क्रीन वो तस्वीर दिखाएं जो कि आज हम जिस पर पहले एक एक राउंड पहले चर्चा करेंगे उस तस्वीर को लेकर के। हरीश जी, ये मीटिंग के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के साथ मजाक करते नजर आए और पीएम मोदी ने मीडिया से भी बातचीत के दौरान कहा आप लोग हमें बात करने दीजिए, हम दोनों बात करते रहेंगे, तो आज की जो बातचीत है ये पाकिस्तान तो पूरी तरीके से कहा जाए कि जल भुनकर राख हो गया होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें? देखिए, वैसे भी पाकिस्तान को असलियत से पाकिस्तान वाकिफ है, उसके जो विदेश मंत्री हैं वो UAE सहित दुनिया के तमाम देशों में गए, चाइना भी गए, अमेरिका भी गए,
ब्रिटेन भी गए और फ्रांस भी गए और उनको किसी देश ने कश्मीर के मुद्दे पे साथ देने का वायदा नहीं किया। सबने यही कहा कि भारत का अंदरूनी मसला है, 370 हटाया जाना जो एक संवैधानिक प्राविधान था, एक अस्थाई प्राविधान था, उसको जो भारत सरकार ने हटाया, माननीय मोदी जी की सरकार ने हटा करके उसको कश्मीर को एक अक्षुण जो भारत का हिस्सा है उसको पूरी तरह से उसको साकार किया। ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और जिसका देश की समूची जनता जिसका तहे दिल से स्वागत कर रही है। और आप देखेंगे आज दुनिया में जो हमारा नेतृत्व है उसकी कूटनीतिक विजय कही जाएगी कि दुनिया के सभी देशों में जितने ताकतवर देश हैं सब ने, इवन यूएई और ये जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उन सब ने, वो सब भी भारत के साथ खड़े हुए। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और वहीं पर हमको अफसोस भी होता है कि जहां दुनिया के तमाम देश 370 को भारत पे 370 के विशेष प्रावधानों को समाप्त किए जाने पर भारत सरकार के साथ खड़े हैं, वहीं कुछ लोग इसके खिलाफ। बिल्कुल अमिताभ जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आपका पत्रकारिता का इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, जब सारे देश एक साथ हैं भारत सरकार के साथ, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की और पाकिस्तान की, उसका बस खाली विरोध है, वो आखिर उसकी मंशा क्या है? आखिर कांग्रेस की भी वही भाषा है जो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान में हीरो बन रहे राहुल गांधी। जी आलोक जी, आपने बहुत एक गंभीर बात पर रेखांकन किया है इस बात के माध्यम से। दुर्भाग्य की बात है, जब से धारा 370 को हटाए जाने की प्रक्रिया को किया गया है उसके बाद से कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार कांग्रेस की पाकिस्तान की बी टीम के रूप में भारत में नजर आ रही है। यहाँ तक कि देर इज ए ऑलमोस्ट 100% टैली एंड मैच बिटवीन द स्टेटमेंट्स ऑफ कांग्रेस लीडर्स श्री राहुल गांधी जी एंड पाकिस्तानी कैबिनेट मिनिस्टर्स लाइक फवाद हुसैन। दोनों के वक्तव्यों में, दोनों की शब्दावली में, दोनों की भावना में और भाषा में एक गजब की समानता है। इससे ऐसा जाहिर होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान जैसे कि ISI द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पर ही भारत में अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही है, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी और विपक्ष के लगभग 11 विपक्षी नेताओं ने, जो राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी विरोधी नेता हैं, इन्होंने श्रीनगर जाकर वहाँ पर दौरा करके वहाँ के हालात जानने की कोशिश की है, इन लोगों से देश को ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आज से 30 साल पहले कश्मीर में लाखों हिंदुओं का बेरहमी से कत्लेआम किया जा रहा था, जब वहाँ मस्जिदों से कहा गया था कि हिंदू जो पंडित हैं, हिंदू कश्मीरी हिंदू हैं, वो अपने घरों को छोड़ के वहाँ से चले जाएं, अपनी औरतों को पीछे छोड़ जाएं, उस वक्त ये नेता कहाँ थे? उस वक्त इनको वहाँ कश्मीर के हालात जानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पिछले 30 वर्षों में इनको ये कांग्रेस के और जो कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा साहब हैं, इन्होंने कहा कि कश्मीर भी हमारा अंग है। अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा कि क्या कश्मीर भारत का अंग है कि नहीं, वहाँ इमरजेंसी लगी हुई है। तो क्या 30 साल पहले से इमरजेंसी लगी हुई थी वहाँ पर? तब तक इनको होश नहीं आया कि वहाँ पर जाएं और वहाँ के हिंदुओं का हाल लें? लेकिन ये सिर्फ एक पाकिस्तान प्रायोजित विपक्ष भारत का इस वक्त अपने आप को पेश कर रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जी। पवन धवन जी, अगर बात करें, जब हम आज ही के भी रिसेंटली जो तस्वीर सामने आई है ट्रंप और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दोनों नेताओं ने एक साथ मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है और इसमें अब किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज गया है। देखिए, आप जब भी कश्मीर की बात करेंगे तो हमको इस समस्या को 3-4 टाइम फेज में बांटना पड़ेगा। पहला प्री 2014 इरा, एक इरा 2014 से 2019 की, और एक पोस्ट 5 अगस्त। इन तीनों में कश्मीर की प्रॉब्लम को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। प्री 2014 का अगर हम कांग्रेस का रिजीम और उससे पहले का रिजीम देखें, 1988-89 से जब से ये कश्मीर की समस्या शुरू हुई है, तो कश्मीर एक लोकल प्रॉब्लम बन के उभरा था और उसमें धीरे धीरे आतंकवाद का साया गहराता गया और कश्मीर हमसे दूर होता गया। उसके बाद की तमाम सरकारों ने इस मुद्दे को एक तरीके से ऐसा
ऐसी समस्या जाहिर की कि वो नेशनल इश्यूज ना होके इंटरनेशनल इश्यूज हो गए और भारत पाकिस्तान के झगड़ों का एक मुख्य अंग हो गया, और उस मुख्य अंग में कहीं भी पीओके नहीं आता था, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की लोग बात करते थे विदेश में। 2014 से जब से मोदी जी ने अपने को फ्रंट सीट पे हम लोगों ने उनको बैठाया, तो हमने ये देखा कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया भारत की विदेश नीति में। भारत की विदेश नीति में जहां पहले तो हिंदुस्तान केवल एक पार्टिसिपेटरी रोल अदा करता था, 2014 से लगातार वो एक लीड रोल प्ले करता रहा और अपनी पहचान बनाता रहा। बिल्कुल, और पहचान एक ऐसी उसमें बनी जो निगेटिव ही छवि गई। जी जी, 5 साल की मेहनत का कारण ये हुआ कि जब 5 अगस्त को भारत के संविधान ने में 370 को हटाया गया, उस वक्त ये स्टैंड लिया गया कि ये हमारा आंतरिक मामला है। जी, अब 370 उसी आंतरिक मामले का जिक्र आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया। मैं जरा दारापुरी सर के पास आ रहा हूँ। सर, मोदी और ट्रंप की जो आज तस्वीरें आपने देखी, उसे देखकर पाकिस्तान तो जलभुनकर पूरी तरीके से राग गया होगा, मैं गलत कह रहा हूँ सर? नहीं, वो बात तो सही है आपकी कि जो ट्रंप ने कहा कि ये दोनों के बीच का अंदरूनी मामला है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो अमेरिका की पॉलिसी में जो एकदम इतनी चेंज आई है उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस जो है वो अमेरिका के लिए बहुत कम हो गई है। भारत की इतनी बड़ी मार्केट जो है वो अमेरिका को चाहिए, और इस मार्केट को हथियाने के लिए वो अपनी सारी जो नीतियाँ हैं उसके अंदर परिवर्तन कर रहा है। तो ये तो ट्रंप का जो है एकदम वो जो पहले खुद दखलंदाजी देने की बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि दोनों के बीच का मामला है, उसके पीछे अमेरिका का अपना हित है। वो अपनी मार्केट, यहाँ मार्केट जो है उस मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया को जो है इसमें प्रेफरेंस दे रहा है। बिल्कुल, ये उसकी अपनी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन भारत को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देता नजर आ रहा, और पाकिस्तान को सीधे तौर पर, हालांकि पहले भी, इससे पहले भी कई बार वो इग्नोर करता आया। हमारे साथ कांग्रेस नेता अरुण सिंह जी भी जुड़ गए हैं। अरुण जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मायावती के ट्वीट को लेकर के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो फ्रांस में जो मोदी ट्रंप की जो मुलाकात हुई है वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे होंगे। अरुण जी, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। सबसे पहले मैं उन तस्वीरों को लेकर के आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। अरुण जी, तो एकदम तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि देखिए पहले में और भारत गर्व ऊंचा करने का काम जो भी भारतीय सपूत करता है, मैं उसके साथ प्राण पर से खड़ा हूँ। कांग्रेस एक विचारधारा जरूर है जी, लेकिन अच्छे काम पे, इतना बढ़िया काम प्रधानमंत्री ने कि मुझे इतना गर्व है जी कि मैं उसको बाड़ी से व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। और कश्मीर पे कब्जा करके ये जो लोग कहते हैं ये कश्मीर हमारा था, इसको सिद्ध कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। जी अरुण जी, लेकिन सबने सिद्ध कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन ये जो पूरी जो घटनाक्रम पूरा सामने आ रहा है, ये कांग्रेस और पाकिस्तान को क्यों निराश आ रहा है अरुण जी? क्या कांग्रेस और मायावती सर्टिफिकेट देंगे? नहीं नहीं, ये मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि राहुल गांधी देखिए कैसे पाकिस्तान में हीरो बने। राहुल गांधी ने हमको राहुल गांधी ने मुझको अस्थिर किया है, मैं उनका गुलाम, अच्छे को अच्छा कहना मेरी संस्कृति, मैं अच्छे को अच्छा कर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं संघ का स्वयं सेवक भी रहा हूँ और मैं एक बुद्धिजीवी हरदम गीता करता हूँ, सदैव सत्य पे अधिक रहना चाहिए और सत्य काम जो भी करेगा प्रधानमंत्री चाहे जो भी करे, लेकिन ये काम प्रधानमंत्री ने वो कर दिया जो न भूत और भविष्य, इसलिए मैं हृदय से एक कांग्रेसी क्या पत्थर दिल होते हैं जो होते होंगे लेकिन एक अच्छे काम के लिए, और मायावती किस मुंह से इनको समर्थन उसके विरोध की बात करती है जी, क्यों ना करें, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी से ऊपर अगर कोई देश हित के लिए बात कर रहा है, समर्थन कर रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है फिर? बहुत अच्छा है। हाँ, सारे लोगों को जन को करना चाहिए, सबको करना चाहिए, पूरे भारत को आवाज बनानी चाहिए। तो भारत, तो राहुल गांधी भारत में नहीं रहते हैं क्या? वो अलग, उनकी भाषा अलग अलग क्यों है अरुण जी? ये
ये प्रश्न आप उनसे व्यक्तिगत करें या उनके प्रवक्ताओं से करें जी। ये उनकी सोच होगी, लेकिन मेरे हिसाब से मुझसे बात होती तो मैं तो कहता कि जम करके, और सदर पहले का जब मैं जानता हूँ इतिहास, अच्छे कामों पे नेहरू जी इंदिरा जी सदैव एक समर्थन अटल जी को दिया करते थे। ये गैर परंपरा है जी। तो किसी चीज पे हर चीज पे हम कमेंट करते, आप अच्छे हैं हम आप पे कमेंट नहीं करें, ये कोई राजनीति नहीं जी। इतना बड़ा काम है, विश्व में हम लोगों के अंग फलक जाते हैं जिस समय प्रधानमंत्री जी की कर्तृत्व को देखते हैं। वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री। बिल्कुल यही बात, बस महज कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है, बाकी देशभक्ति की बात सबको समझ में आ गई है कि देश हित में जो जो चीजें हैं। अरुण जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त हम सबसे पहले मायावती ने जो ट्वीट किया है वो जरा अपने पीसीआर हेड अनिल से कहेंगे कि अनिल वो जरा ट्वीट सबसे पहले जरा दिखाएं जो मायावती ने जो ट्वीट किया है। तो हाल ही में बिना अनुमति के कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेताओं का कश्मीर जाना क्या केंद्र व वहां के गवर्नर को राजनीति करने का मौका देने जैसा है? इसका ये कदम नहीं है, यहां पर जाने से पहले इस पर मैं थोड़ा सा विचार कर लिया जाता तो शायद उचित हो जाता। मायावती के ट्वीट पर ही मेरा हरीश जी से सवाल। हरीश जी, मायावती अब बिल्कुल अब वही वही भाषा बोल रही जो बीजेपी बोल रही है और उसको समर्थन भी दे रही, क्या कुछ ऐसा गुरु मंत्र दे दिया? बीजेपी ने राष्ट्र का सवाल है। हाँ हाँ, जो भी राष्ट्र हित में सोचता होगा वो आम नागरिक हो या किसी पार्टी के नेता हो या खास व्यक्ति हो, वो यही कहेगा जो मायावती जी ने कहा है। आज आप देखिए जो विपक्षी दल के नेता जो लोग वहाँ गए थे, वहाँ के गवर्नर आदरणीय सतपाल मलिक जी ने पहले ही राहुल गांधी को कहा था कि हम आपको बुलाएंगे। आज कुल 20 दिन तो हुए हैं वहाँ धारा 370 समाप्त हुए। कांग्रेस पार्टी ने तो शेख अब्दुल्ला को 20-21 साल घर में नजरबंद रखा था, आज वो 20 दिन वहां की हालात को इतनी क्या व्यग्रता है श्रीमान राहुल गांधी में? और मैं वही सवाल अभी जो पाकिस्तान में भी तो हीरो बनना है, जो धवन साहब कह रहे थे। हाँ। आप मुझे बताइए कि जिस समय कश्मीर बैली में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उनको दर बदर कर दिया गया, उस समय ये इनका मानवाधिकार कहां गया था? उस समय इनका संवेदनशील मन कहाँ गया था? तो ये जो सोच है, देखिए कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि कांग्रेस की ये नेता जमीन पे कभी रहे नहीं, इसलिए जो देश की दिल की धड़कन है वो श्रीमान राहुल गांधी को नहीं सुनाई पड़ती। अच्छा चलिए, कांग्रेस अच्छा नहीं सुनाई पड़ती। एक बात बताइए, मायावती तो आपके समर्थन में बोलने लगी, यानी कि सरकार जो कह रही है वो ठीक कर रही है, यानी कि उन्होंने अपने को समय के हिसाब से बदल दिया, लेकिन अखिलेश और राहुल अभी नहीं अभी ट्रैक पर आए हैं, अभी उनको समझ में कब आएगा? देखिए मैं मायावती जी का जो ट्वीट है उसको इस रूप में कि उन्होंने देश के जो देश के लिए बोला है, और जो जो अखिलेश हैं या राहुल गांधी जी जो हैं, जो लोग तुष्टीकरण की महज वो सोचते हैं कि हम कुछ एक वर्ग के वोट के लिए इस तरह की राजनीति की रोटियां इसमें, माने इस मुद्दे पे भी जो राष्ट्रीय मुद्दा है उस पे जिस तरह की इनकी सतही सोच है, यही सवाल है। पवन जी, जब देश हित की जब बात करते हैं, जब हम अखिलेश यादव की भी बात करें और राहुल गांधी की भी, तब वो देश हित के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? मतलब विरोध में है इसलिए विरोध करना है? देखिए एक तो पहले हाँ। अब जो कश्मीर की जो आज की समस्या है वो मुझको लगता है हमारे देश में किसी एक भाग में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, और उस लॉ एंड ऑर्डर की समस्या करने के लिए देश की सरकार अधिकृत है, देश वहाँ के राज्यपाल अधिकृत हैं और उनके उनकी पूरी टीम अधिकृत है, और वो अपने ढंग से इसका समाधान कर रहे हैं। अब आज की तारीख में कश्मीर की समस्या को इससे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। अब जहाँ तक राजनीति की बात है कि अखिलेश जी क्या राजनीति कर रहे हैं, राहुल जी क्या राजनीति कर रहे हैं, या इवन मायावती जी ने क्या बोला, मेरे ख्याल से सब लोग छोटे छोटे मौकों पे अपनी अपॉर्चुनिटी देख के अपने कार्ड्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो कार्ड्स कहीं इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं पब्लिक को। जो 370 हटाने के बाद जो एक पब्लिक में एक उत्साह और एक ये समझ में आया कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है देश कुछ के लिए, कुछ भी कर सकता है। अमिताभ जी, जब कुछ भी करता से आगे की बात अगर हम करें, जब कश्मीर में शांति है तो आखिर वो कौन लोग हैं जो वहां पर चाह रहे कि ऐसा माहौल ना रहे? उनकी क्या साजिश हो सकती है, क्या मानसिकता हो सकती है? ऐसे में तो सवाल बड़ा यही बन रहा है जी। आलोक जी, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर भारत के विभाजन और आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी माइनॉरिटी बेस पॉलिटिक्स का एक तुष्टीकरण की राजनीति का क्रूसिबल रहा है, उसके लिए वो एक प्रयोगशाला की तरह रहा है।
इसीलिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतागण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर अब राहुल जी तक एक उसी प्रकार की भाषा बोल रहे हैं जो कि भारतीय राष्ट्र राज्य की अवधारणा के विरुद्ध है। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान प्रायोजित पार्टी की तरह से कांग्रेस लगातार अपनी राजनीति को कर रही है। लोकसभा में जो वक्तव्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा और राज्यसभा में 370 को हटाने के बहस जब चल रही थी, जिस तरह के वक्तव्य कांग्रेस पार्टी के नेता लोकसभा के द्वारा दिए गए, राज्यसभा में दिए गए, उनसे उनका सीधा फायदा पाकिस्तान की सरकार को मिल रहा है। एंड दे हैव बीन एक्चुअली कोटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ की सेनेट में यहाँ के जो सांसद हैं कांग्रेस के, इनकी इनके वक्तव्यों को उद्धृत किया गया है, कोट किया गया है लगातार। तो इन दोनों के बीच जो एक जिस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ किया जा रहा है वो देश को देखना चाहिए। ये तो हो गई तुष्टिकरण की राजनीति। दूसरी बात, सुश्री मायावती जी ने जो बात कही, मैं जितने सम्मानित वक्ता जिन्होंने जो बात कही उसके आगे की एक छोटी सी बिंदु और है। मायावती जी वहां पर संभावित जो चुनाव हैं वो उस पर उनकी निगाह है। वहां जम्मू में बड़ी बहुत बड़ी संख्या वहां पे वाल्मीकि समाज की है, तो मायावती जी का जिस प्रकार की राजनीति है जम्मू में वाल्मीकि समाज, और लद्दाख में बहुत बड़ी संख्या बौद्धों की है, बौद्ध बहुल क्षेत्र है। तो इन वाल्मीकि समाज और जो बौद्ध हैं लद्दाख के, तो आगामी चुनावों में मायावती जी इन पर निगाह रखे हुए हैं। शी इज आइंग, चलिए घूम फिर के बाद चुनाव तक आ ही जाती है। दारापुरी साहब, मायावती ने जो कश्मीर जाने की जिद करने वाले विपक्षी नेताओं को जो नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इलाके में शांति स्थापित होने तक इंतजार करना चाहिए, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या वाकई में ये तो एक सही बात है? इसमें तो कोई राजनीति नहीं है ना कि भाई अभी आप हालात सामान्य हो उसके बाद आप जाइए, अभी क्यों जाएंगे आप, माहौल ही गरमाएगा, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे शांति कायम रखना ये भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है वहां पर। नहीं देखिए, वैसे तो मायावती इस समय जो कुछ बोल रही है वो हिज मास्टर्स वाइफ है, वो मायावती एक मजबूरी है, उसके क्या परिस्थितियां हैं वो सब कुछ स्पष्ट है, उसके बारे में को बस ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पर दूसरी बात यह है कि मायावती जो कह रही है, जब भाजपा और वहाँ का पूरा प्रशासन ये दावा कर रहा है कि यहाँ स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, कोई विरोध नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो अगर विपक्ष के लोग वहां जाके अपनी आंखों से देखने की बात करते हैं, नहीं तो इतनी तो जल्दबाजी क्या है? मेरा सवाल ये कि अभी थोड़े थोड़े हालात सामान्य हो रहे हैं ना। हाँ, जब सत्ताधारी पार्टी राजनीति कर रही है, 370 की राजनीति कर रही है, तो जो विपक्ष है वो भी राजनीति करेगा, हरेक को अपनी राजनीति करने का अधिकार है। जब दावा, लेकिन आप शांति के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। नहीं, अमन चैन तो घाटी में कायम रहेगा जी। देखिए, 370 की राजनीति हो रही है तो सर, ये 370 की राजनीति को सर, राजनीति राजनीति खत्म हो गई जो होनी थी। हाँ जी, जो दावा है कि वहाँ बिल्कुल शांत है और मीडिया के सामने बिल्कुल अरे सर ये नहीं, अभी इंटरनेट सेवाएं वहाँ पर जो बाधित, सर धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, ये है तस्वीर। ये जो सच्चाई है, ये जो सच्चाई है उसका उसका सत्यापन करने का विपक्ष को भी अधिकार। सत्यापन विपक्ष का कहाँ चला ठीक है हरीश जी, मेरे सवाल का जवाब, जैसा कि दारा पुलिस ने भी कहा कि जो दावे हैं अगर उनकी सच्चाई जानने के लिए विपक्ष जा रहा है तो सत्ता पक्ष क्यों आपत्ति है जी? आलोक जी, पहली बात तो वो कि धारा 370 को समाप्त किए जाने को जो लोग राजनीतिक नजरिए से देखते हैं, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा सतही कोई नजरिया नहीं हो सकता। ये तो पहली बात में था, पहली बात लेकिन राष्ट्रीय नहीं, भले एजेंडे में था लेकिन आपने बताइए क्या राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? क्या कश्मीर को अपना अंग नहीं समझते? सबसे पहले सबसे पहले वो राष्ट्रीय मुद्दा है, सबसे पहले वो राष्ट्रीय अगर मैं राजनीति में वो देश हित से जुड़ा मुद्दा है, अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो वो देश हित का मुद्दा है, ना मैं चुनावी मुद्दे की बात करूं तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, वहां के स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, वहां टेलीफोन सेवाएं बहाल की गई हैं, तो ऐसी कौन सी आफत है कि आप तत्काल ही वहां के जब गवर्नर ने कहा था, आप गवर्नर से पूछते हैं कि साहब हम आना चाहते हैं तो क्या कब आ जाए? तो आप इसको तो हालात को देखना चाहते हैं कि हालात क्या है? आप उसमें जिस तरह एक बयान सार्वजनिक रूप से संसद और वहां दे रहे हैं, वही बयान आप देकर के वहां की जनता को भड़काना चाहते हैं?
वहाँ के जो लोग गुमराह करना चाहते हैं। मेरी मेरी, मेरी, मेरी समझ में एक सवाल नहीं आ रहा है, हालात देखने, रुक जाए, हाँ अमिताभ जी मुझे सवाल का जवाब दीजिए, हालात हालात ठीक ठीक है ठीक है, हालात देखने के लिए हालात तो उस वक्त भी देखे थे जब अमिताभ जी इस सवाल का जवाब दीजिए, जब अजीत डोभाल साहब गए थे वहां पर तब गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था ये सब पेड है, अब क्या हालात देखेंगे आप वहां पर, शांति भी अगर कायम है वहां पर तो आप लौट के आके क्या जवाब देंगे वहां पर अमिताभ जी? हाँ जी, आलोक जी, जो लोग भी ये बात इस बहस में ये कहते हैं कि वहां जाकर हालात देखना और वहां के लोगों का हालचाल मालूम करना या सत्यापन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से सवाल पूछता हूँ, राहुल जी नई दिल्ली में रहते हैं, 1984 के सिख कत्लेआम में जिसके लिए सीधे तौर पर राजीव जी और कांग्रेस पार्टी राहुल जी की पार्टी जिम्मेदार है, राहुल जी के निवास स्थान से लोकसभा से मुश्किल से 10-15 किलोमीटर की दूरी में वो सिख परिवार जो 5000 सिखों का कत्लेआम किया गया था, राहुल जी को पिछले 35 सालों में 1984 से आज 2019 है, 35 सालों में 10 किलोमीटर दूर जाकर उन सिखों सिख परिवारों का, उन विधवाओं का, उन अनाथ बच्चों का हाल लेने की फुर्सत नहीं मिली, वहां का सत्यापन करने नहीं गए राहुल जी? राहुल जी कश्मीर में जाना चाहते हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। चलिए हम अगर हम तुष्टीकरण की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, मैं अरुण जी के पास आ रहा हूँ, अरुण जी एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिएगा, मायावती ने जो ट्वीट करके कहा है कि बिना अनुमति कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं को कश्मीर नहीं जाना चाहिए था, आपको क्या लगता है जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था या हालात देखना बहुत जरूरी था वहां पर राहुल गांधी जाते और बेहद और उस तरीके से हालात का जायजा लेना उनका बहुत जरूरी था, आपको क्या लगता है सर? काम को मौका दे दीजिए बस, उसके बाद ना पूछिएगा। मैं ये कहता हूँ देखिए, मैंने उनका स्वागत किया, अभिनंदन वंदन किया, लेकिन उस दंभ के नाते कि मैं ही हूँ, इस नाते विपक्ष की ड्यूटी भी को जाए, अच्छा ठीक है, जाना आना देखना एक और बहुत, सब राजनीति से प्रेरित है, चाहे सत्ता दल हो चाहे विपक्ष दल हो, अपनी अपनी राजनीति सभी कर रहे हैं, तो राजनीति की रोटी सेकने से ऊपर इससे भी बड़ा अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा जो कुछ भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री, मैं तो उनको भारतवर्ष की तरफ से कामना शुभकामना करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो गीता को आदर्श ग्रंथ घोषित कर दे, जिस देश में राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं होगा, राष्ट्रीय गुरु नहीं होगा, वो देश सर्वाइव कैसे करेगा, इसलिए उनको गीता पे बात छेड़नी चाहिए, सारी समस्याओं मंदिर मस्जिद सबसे निजात पाने का एक मूल कारण है गीता, गीता पे डिबेट होनी चाहिए और गीतोक्त से संपूर्ण मानव एक है, जिससे सब एक हो जाएगा, जातिवाद नष्ट हो जाएगा। और वो एकता अब देखने को भी मिल रही है, वो नजारा जो शांति है अमन में घाटी में वो तस्वीर भी नजर आ रही धीरे धीरे। फिलहाल हम कुछ और भी सवालों के जवाब लेंगे यहाँ पर कि ट्वीट के बाद किस तरीके से मायावती जो अब सरकार के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही हैं, इसमें कितनी बड़ी उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता है और इसको किस नजरिए से देखा जाए। मेहमान हमारे साथ बने हुए, बड़ी बहस जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। केंद्र सरकार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का साथ मिल गया। शनिवार को विपक्षी नेताओं का एक दल राहुल गांधी के नेतृत्व में कश्मीर पहुंचा था, लेकिन उन्हें श्रीनगर से वापस दिल्ली भेज दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष घाटी में माहौल को लेकर सरकार पर चौतरफा हमले कर रहा है। आज मायावती ने कश्मीर जाने की जिद करने वाले विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इलाके में शांति स्थापित होने तक इंतजार करना चाहिए था। तारापुरी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सवाल यह है कि मायावती ने जो बयान दिया है, अगर इसकी में राजनीतिक दूरदर्शिता की बात करें और इस बयान को राजनीति के किस चश्मे से आप देख रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से अब सरकार के समर्थन में आ रही है, या यूं कहें कि वो एक जो भाषा है वो साथ अब समझ चुकी है पूरी तरीके से कि इसी में फायदा, या यूं कहें बहुत छोटे से शब्दों में कि वो समय के साथ उन्होंने अपने को बदल लिया, अपने को ढाल लिया? वो देखिए ऐसा है, वैसे तो पार्लियामेंट में भी वो इसका समर्थन कर चुकी है, ट्रिपल तलाक में देखा परोक्ष रूप से नहीं, लेकिन ना जाके भी समर्थन करी, गई वहां भी उसने समर्थन किया। अब जब विपक्ष गया तो ये सवाल पूछा जाने लगा सोशल मीडिया पे कि भाई पूरा लगभग पूरा विपक्ष गया तो सपा और बसपा के लोग क्यों नहीं गए? अब मायावती को उसका कोई ना कोई जवाब देना है, और जवाब देने के लिए वो विपक्ष को एक नसीहत देने की बात कर रही है। ये 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 भी एक राजनीति है, और दूसरा ये है कि मायावती का जैसा मैंने बताया उसकी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में मायावती और किसी दिशा में जाने का साहस नहीं कर सकती जी,
वो उनकी मायावती की परिस्थिति या कुछ ऐसी है कि उसको हिज मास्टर्स वॉइस ही बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये वाला हरीश जी, क्या वाकई में अब सियासत में इतनी मजबूरी हो गई मायावती की कि अब उनको बिल्कुल सरकार जो बोलेगी वही बोला बोलना पड़ेगा, या यूं कहें कि वो राष्ट्रहित की बात कर रही है, राजनीति एक तरफ है सारी की सारी? नहीं देखिए, कुछ लोगों की व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन मेरा तो अपना मानना है कि जो लोग भी देश के दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, देश के 130 करोड़ लोगों के दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, वो कश्मीर में वही कहेंगे। देश तो यही चाह रहा है कश्मीर में और घाटी में अमन चैन हो, वो सरकार वो राष्ट्रहित की बात करेंगे। और राष्ट्रहित की के पक्ष में जो मायावती जी ने बात कही, वो जो भी राष्ट्रहित में सोचेगा उस तरह का भी बोलेगा जी। राजनीति सबकी अपनी अपनी अलग है, मायावती की अलग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, और यही अमिताभ जी, इस चीज को मुझे लगता है आप बेहतर बता सकते हैं कि राजनीति अपनी तरह एक तरफ, पक्ष विपक्ष एक तरफ, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, लेकिन देश हित की बात एक तरफ। और वो मायावती ने पूरी तरीके से आज ट्वीट करके भी कर दिखाया, साबित भी कर दिखाया, और ये कोई एक बात नहीं है। और ये बात ट्रिपल तलाक को लेकर भी वो तस्वीर सामने आई, जब देश हित की बात आती है तो वो राजनीति एक तरफ रखती है। जी, बाबा साहब अंबेडकर भी 370 के पक्ष में नहीं थे। जी जी, इसलिए इस बात का वो कई बार जिक्र भी कर चुकी है अमिताभ जी, उसको उन्होंने ड्राफ्ट नहीं किया था और उसके पक्ष में नहीं थे, उस पर उनके बयान भी है। बिल्कुल सही बात है ये। और देखिए, अभी आपने मायावती जी का जो मुद्दा उठाया, मैंने शुरू में अर्ज किया कि जम्मू में जो बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज है, ये मायावती जी का परसेप्शन है, ऐसा हो या ना हो ये तो चुनावों में देखने को मिलेगा, बट शी इज स्ट्रेट अवे आइंग दैट पर्टिकुलर वोट बैंक। जम्मू में जो दलित समाज है, वाल्मीकि समाज बहुत बड़ी संख्या में है, जो कि अब नए जो संवैधानिक जो प्रावधान हो गए हैं जिसमें उनको पूरे राइट्स मिलेंगे, जिसमें वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो मायावती जी जम्मू के इस दलित वाल्मीकि समुदाय पर और जो लद्दाख का जो पूरा बौद्ध इलाका है जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद बौद्धों की है, मायावती जी की जो जिस प्रकार की राजनीति शुरू से रही है वो खासतौर पर दलितों और बौद्धों को लेकर के साथ चल, उनका जो चुनावी चिन्ह है, जिनकी जो राजनीतिक विचार दर्शन है, जो राजनीतिक दर्शन है, विचारधारा है, वो सब ज़्यादातर इन्हीं कम्युनिटीज़ पर आधारित है। तो वो उनका शी इज आइंग दैट पर्टिकुलर वोट बैंक, वो इसलिए जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विलय का धारा 370 हटाने का इसलिए समर्थन कर रहे हैं। अमिताभ जी वोट के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा। जी बिल्कुल, नहीं, एट द एंड ऑफ द डे दे आर पॉलिटिशियंस, उनको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो वो वोट के लिए हम अपने, अगर हमारा जिस प्रकार का वोट बैंक है, जिस प्रकार की राजनीति हम करते आ रहे हैं, तो अगर हमें एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी, खासतौर पर जम्मू और कश्मीर जिसमें चुनाव होंगे, तो सारी दुनिया की निगाहें लगी रहेंगी, न सिर्फ भारत की, सारा विश्व देखेगा कि यहाँ पर चुनाव जो आगामी कुछ महीनों में होने की संभावना है, तो उन चुनावों पर पूरे विश्व की निगाहें केंद्रित रहेंगी। मायावती जी इज लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर इमिनेंट इलेक्शन। जी चलिए, एक बहुत अहम सवाल का जवाब दारापुरी सर मैं आपके पास आया हूँ कि मायावती की जो रणनीति में जो बदलाव हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं और इसके पीछे कितनी दूरदर्शिता आपको लग रही है? नहीं देखिए, वो तो उम्मीद कर रही है कि शायद उसको जम्मू में कुछ वहां पर सपोर्ट मिल जाए, जबकि अभी तक उसका कोई खास वहां पर कोई पकड़ रही नहीं है, पर वो उम्मीद करती है कि शायद इस चुनाव में जो है उसकी कुछ पकड़ हो। जी अच्छा, पवन सर, जो बीजेपी के प्रति जो दृष्टिकोण में जो बदलाव आया है उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? ऐसा है कि मई 19 के चुनाव से पहले आपने देखा था पूरा विपक्ष जो था वो एक आदमी के पीछे हाथ धो के पड़ा था, और जब वो रिजल्ट आए तो इस बार तो ईवीएम का मुद्दा भी नहीं उठा पाई विपक्ष, क्योंकि वो अपने में कुछ ऐसा घिर गए इस रिजल्ट से, वो इतना हताश हो गए, कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ और वो क्या हुआ और उस क्या होने के बाद उनको क्या करना है, शायद इसको सोचने में 3 महीने लग गए। और अब 3 महीने बाद विपक्ष को ये समझ में आया है कि अब हम किसी व्यक्ति विशेष की निंदा कर कर के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो अभी पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ बयान ऐसे आए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी आए हैं, और अभी आपने मायावती का भी ट्वीट का भी जिक्र किया। अब संपूर्ण विपक्ष ने ये अपनी पॉलिसी बना ली, अपनी स्ट्रेटजी बना ली कि अब हम उस आदमी पर पत्थर नहीं मारेंगे, अब हम उस आदमी को प्रेज करेंगे, हम उस आदमी को प्रेस करेंगे, और जब हम प्रेस करेंगे तो पब्लिक में हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आज बहुत पत्थरबाजों का दंश झेल लिया शायद। आज पूरा विपक्ष जो है वो इस बात की राजनीति कर रहा है कि पब्लिक में हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात
की क्रेडिबिलिटी हो, आज शायद उनकी क्रेडिबिलिटी फैक्टर की वजह से आज उनके ये बयान आ रहे हैं। जी अरुण जी, जब समूचा पूरे तरीके से देशवासी इतने चिंता करोड़ों की वो सब कुछ समर्थन में है, सवाल ये कि कश्मीर में चैन तो विपक्ष क्यों है बेचैन, और बस थोड़ा सा विपक्ष जो बचा है उसको बेचैनी हो रही और आप भी समझ रहे हैं कि वो कौन लोग हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप भी हमसे ज्यादा जानते हैं सर। मैं कहां आपके आगे सर, किस डर से, किस भय से, कौन क्या कह रहा है। सत्य है कि अच्छा कार्य हो रहा है, इस अच्छे कार्य के लिए सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे कि इस राष्ट्र का गौरव सर्वोपरि है, राजनीति से ऊपर है। हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता सर, हम समझ गए राष्ट्रहित की बात, आप समझ गए और ये समझ हमारे जो पैनल है वो समझ गया, पर वो लोग कब समझेंगे जो विरोध कर रहे हैं, उनको उनको कौन सा ऐसा गुरु मंत्र दिया जाए, कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक लगाई जाए, कौन सी ऐसी सर्जरी की जरूरत है। अरुण जी वो ज्यादा समझ रहे हैं, बतरते हैं सोने का स्वाग कर रहे हैं, हमसे ज्यादा न कहलवाइए। लेकिन जब राष्ट्र के गौरव की बात हो तो जिनके अंदर भारतीयता, और मैं तो छत्री हूँ, मेरा लहू एक एक कतरा लगे तो पूरा खानदान पूर्वजों ने दिया, हम लोग देने को तत्पर है राष्ट्रहित के लिए और जातिवाद के विरोध में। ये जातिवाद जिस दिन समाप्त हो जाएगा, छोटी छोटी पार्टियों की नौटंकियां और बड़ी पार्टियां जो ब्लैकमेलिंग करती है दूर हो जाएगी। एक राष्ट्र, एक जात और एक धर्म, और धर्म है गीता, जिस दिन लागू हो जाएगा भारत विश्व में आगे हो जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा। और इसको साफ करके प्रधानमंत्री जी कर सकते, मुझे वैसा लगता है कि ये अगर सब कुछ जैसे मंदिर, ये छोटे मुद्दे, इनसे बड़ा अगर मुद्दा है तो गीता का मुद्दा है, जिसमें संपूर्ण मनुष्य ममवांसो जीव लोके सर्वभूतान तिष्ठत अर्जुन, संपूर्ण प्राणी मेरी ही एक संतान है, ऐसा भारत वर्ष है। और विश्व में भी जो जन्मा है वो सब भारतीय के ही नीचे आ जाएगा, और मेरी शुभकामना है अगर मैं इसको देख सकूं अपने जीवन में। तो चलिए सर, आपका सपना जरूर साकार हो। और दारापुरी सर कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं इस पर। सर मैं ये रखना चाहता था कि जैसे आज मायावती ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कुछ ऐसा इंप्रेशन दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर भी 370 के पक्ष में नहीं थे, और भाजपा तो बहुत दिनों से ये राग अलाप ही रही है, परंतु सच्चाई ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर का 370 के बारे में कहीं कोई बयान नहीं है। उनके जितने प्रिंटेड नॉन प्रिंटेड कागज थे, जितने थे सारे, और पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट है उसमें भी डॉक्टर अम्बेडकर का कोई बयान नहीं। तो ये मायावती भी डॉक्टर अम्बेडकर की शरण लेके जो है अपनी जो कुछ राजनीति है उसको जस्टिफाई करना चाहती है, भाजपा का समर्थन करने की जो राजनीति उसकी है उसको जस्टिफाई करना चाहती है। और ये डॉक्टर अम्बेडकर वाली बात 100% गलत है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का ऐसा कोई नहीं है। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर का कश्मीर पॉलिसी के बारे में एक बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें वो ईस्ट बंगाल की बात करते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं कश्मीर की, उसमें ये कहते हैं कि हमें कश्मीर के मामले में, वो कहते हैं कि हमें इसको तीन हिस्सों में करना चाहिए, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख, उनको हम एक साथ रखें, और जो घाटी है उस घाटी को या तो पाकिस्तान को दे दें, या उस घाटी को जो प्लेबिसाइट वाली बात थी कि उनकी वो प्लेबिसाइट होगी उसके माध्यम से पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो पाकिस्तान के साथ जाए, अगर वो स्वतंत्र रहना चाहते हो स्वतंत्र रहना। तो डॉक्टर अम्बेडकर का कश्मीर के बारे में केवल इतना लिखित बयान है, परंतु जो कहा जाता है सवाल ये कि पाकिस्तान को कैसे दे दी जाए। इमरान खान का आज ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो तो न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं। हाँ, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात वो कह रहे हैं, अरे ये तो 300, ये धारा 370 तो 1954 में लागू किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो उस पर चर्चा होने कोई सवाल ही नहीं था, और संविधान लागू हो गया था 1950 में, और ये जो धारा 370 1954 में लगाया गया, तो ये इसका कोई वही नहीं है। और हो सकता है कि उनका कोई लिखित बयान ना हो, लेकिन आखिर कानून मंत्री वो थे, उसकी ड्राफ्टिंग दूसरे से क्यों कराई पंडित नेहरू ने? सवाल ये कि नहीं, मेरा सवाल अब यही है कि पंडित नेहरू के समय में हालात अलग थे, वक्त अलग था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, ऐसे में अब विपक्ष अब अगर एक बदलाव हो रहा है तो उसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहा, क्यों विरोध कर रहा है? हरीश जी आपको जाना है, लेकिन मैं आपसे एक फाइनल कमेंट चाहूंगा कि विपक्ष कश्मीर पर क्यों सियासत कर रहा है, आखिर आपको क्या लगता है और इसके पीछे उसकी क्या मंशा हो सकती है? हरीश एक फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, मुझे ये लगता है कि विपक्ष के कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी दल कांग्रेस की स्वर बोल रहे हैं, स्वर में बोल रहे हैं, वो हताश हैं इस बात से कि उनको उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा काम इतनी सहजता से हो जाएगा,
उनकी खिसियाहट है और उस खिसियाहट में वो इस देश की जनता की दिल की धड़कन भी नहीं सुन पा रहे हैं। जिस कार्य से, जिस धारा 370 के विशेष प्रावधानों को कश्मीर में समाप्त होने से पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल रहा, पूरे देश ने जश्न मनाया, उसमें जिस तरह का रवैया कांग्रेस नेतृत्व का है, जिस तरह का उनके साथ खड़े दल का है, वो एक हताशा की, उनकी जो हताशा है उसकी अभिव्यक्ति। बिल्कुल हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस सवाल का जवाब अरुण जी के पास आ रहा हूँ। अरुण जी, जब पूरा देश जश्न मना रहा है, अभी आपने देखा किस तरीके से तिरंगा वहाँ पर सचिवालय में फहरा रहा है, वहाँ पर जहाँ पर जब दो झंडे हुआ करते थे, तो कांग्रेस के खेमे में इतनी खलबली क्यों है जो कभी पाकिस्तान जैसी भाषा बोल रहा है? अभी कांग्रेस का कुछ निर्णय क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देश को भी, हम लोगों को भी अब जो हो रहा होगा अब इन लोगों को क्या मैं कह सकता हूँ। पार्टी की बात है, ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। मैं इनसे भी अपील करता हूँ कि इस कार्य का समर्थन करना चाहिए, इसमें बहुत कुर्बानियां हुई है, राजतंत्र से लेकर प्रजातंत्र तक एकदम लहू से पट गया, उसके बाद आज एक अच्छा अवसर आया है। इसको हमको राग द्वेष से ऊपर उठ करके इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। विश्व के निगाह में आपका गौरव बहुत बढ़ गया है और इस गौरव बढ़ाने में अगर हम छोटी छोटी बातों पे, चैनल से भी मेरी प्रार्थना है कि छोटी बातों पे बहुत डिबेट ना कराया जाए, ये बातें बहुत आउट ना हो। सर, हम डिबेट नहीं कराएंगे तो फिर राहुल गांधी जो पाकिस्तान में हीरो जाके बन रहे हैं, गुलाम नबी साहब अपना इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, अधीर रंजन साहब देखे किस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो वो दुनिया के सामने वो बातें आएंगी नहीं? इतनी पुरानी पार्टी की क्या मानसिकता है? इसीलिए तो डिबेट कराना जरूरी है, एक बड़े पैनल को बुलाना बहुत जरूरी है। क्यों अरुण साहब, प्रकृति किसी को छोटा और बड़ा बना देती है, प्रकृति ही ला करके किसी को स्थापित कर देती है और जब उसका कार्य गलत हो जाता है तो प्रकृति उसे जीरो बना देती है। ये हम आपसे परे है लेकिन राष्ट्र का बहुत बड़े गौरव की बात है। वही तो मैं भी चाहता हूँ कि राष्ट्रहित की बात हम लोग क्यों नहीं करते हैं। अमिताभ जी, सवाल यही कि आप कभी कहा कि मायावती ने जिस तरीके से जो बयान दिया उसको भी उन्होंने भी अपने वोट बैंक कहीं ना कहीं कलेक्ट करने की बात की, हम कब देशहित के बारे में राजनीतिक दल सोचेंगे? हमेशा चुनाव चुनाव तो हमेशा आते रहेंगे, कभी पंचायत चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, और मुझे लगता है तभी शायद देश में प्रधानमंत्री इस पहल पर लगे हुए एक देश एक चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल आलोक साहब, देखिए ये राष्ट्र की जो चिरंतन यात्रा होती है उसमें ये एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। लगभग 70 वर्षों से जिस चीज को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, एक प्रधान एक निशान एक संविधान का नारा दिया था तत्कालीन जनसंघ ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया जिसके लिए हजारों लाखों की संख्या में कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जो आज भी इस वक्त भी जबकि आप ये चर्चा करा रहे हैं इस वक्त भी जो कि शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। ऐसे स्थिति में ऐसे जम्मू और कश्मीर जो कि ये सन 1947 से नहीं, ये आदिकाल से महाराजा ललितादित्य के काल से, कालिदास के समय से, जिन्होंने मेघदूतम लिखा और कश्मीर का वर्णन किया है, तो उस यानी कि जो सेकेंड थर्ड सेंचुरी BC से जम्मू कश्मीर का जिसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा, देश को इस समय आगे देखना चाहिए कि किस तरह से इस प्रकार की जो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज हैं जो राष्ट्र राज्य को तोड़ने की कोशिश करती हैं महज अपने स्वार्थ के लिए, महज अपनी तुष्टिकरण की घटिया कुत्सित राजनीति के लिए, उनको हतोत्साहित करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में भी बहुत खुल करके डॉक्टर कर्ण सिंह ने विरोध, उन्होंने समर्थन किया है धारा 370 को हटाए जाने का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने समर्थन किया है जो कि राहुल जी के सबसे करीबी और सबसे विश्वसनीय सलाहकारों में से माने जाते हैं, सचिन पायलट ने समर्थन किया है, तो कांग्रेस पार्टी स्वयं एक उसमें एक वर्टिकल डिवीजन हो चुका है और राष्ट्र की जो अवधारणा है वो संपुष्ट हो रही है। बस मुझे 5 सेकंड और दें, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो समर्थन दिया है इसको इस दृष्टि से देखने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पूर्व का जो उनका उन्होंने जो मध्यस्थता करने की जो बात कही थी उससे वो 3 कदम नीचे उतरे हैं। उन्होंने कहा था मध्यस्थता अगर भारत पाकिस्तान चाहे तो मैं कर सकता हूं, जो वक्तव्य था इमरान खान साहब की विजिट के दौरान, उससे उन्होंने अपने उस वक्तव्य को वापस लिया है, यानी जो उनका मध्यस्थता नहीं करेंगे ये 1 कदम नीचे उतरे। दूसरा उनका यू टर्न नहीं वी टर्न है, उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला है, और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि ये सिर्फ मोदी जी और इमरान आपस में बातचीत करके तय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मोदी जी की ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ये अत्यंत सशक्त और सफल विदेश नीति का परिचायक और प्रतीक है कि जिस प्रकार से विश्व समुदाय हमारे पक्ष में आज सशक्त। बिल्कुल, दारा पुरी जी, कहा जा सकता है कि एक पूरी तरीके से सशक्त
एक जो तरीका है वो आज पूरी तस्वीर सामने आई कहीं ना कहीं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से अपनी बात रखी? वो तो देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया कि हर एक राष्ट्र का अपना इंटरेस्ट होता है। इस समय जो अमेरिका का इंटरेस्ट है वो भारत को साथ लेने का है, इसलिए ट्रंप ने अगर किया उसमें कोई बहुत हैरान होने वाली बात है। दूसरी बात एक मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 370 हटाने का विरोध नहीं है, परंतु जो तरीका अपनाया गया उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, उसकी जो संवैधानिकता है, उसका प्रश्न चिन्ह है और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, अब सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को वैलिड मानती है या नहीं मानती है। एक बस फाइनल कमेंट जल्दी से पवन सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो मायावती ने आज जो बयान दिया उससे क्या विपक्ष सबक लेगा जल्दी से सर? नहीं नहीं, बस इसमें इस मुद्दे से पहले मैं 370 पे कहना चाहूंगा कि 370 के बारे में हम लोगों ने बचपन से अब तक जो जाना था, समझा था, जो हम लोगों को बताया जाता था, वो ये जाता था कि 370 हट ही नहीं सकती। ठीक है, आज 5 अगस्त के बाद हमने ये देखा कि हमारा देश 370 को हटाने के बाद बहुत आराम से उसी ढंग से चल रहा है और उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इवन कश्मीर में। जबकि अगर हम वास्तव में बात करें तो जो 5 अगस्त से पहले जो कश्मीर के हालात थे, मुझको लगता है आज वो हालात बेटर है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक शासन है जी, वहां पे एक शासन है जी। और आज के बाद मुझको लगता है कि अब हमें 370 पे डिबेट करने की आवश्यकता भी नहीं है। अरुण जी, पवन सर राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे उन्होंने जो बात कही, एक फाइनल कमेंट उसके आगे की बात, अब 370 पर कोई बहुत ज्यादा जरूरत है, अब बड़ी जो चुनौती है वहां पर जो शांति व्यवस्था है उसको बरकरार रखना जी बहुत बड़ी चुनौती है, अब बात उस पर होनी चाहिए। क्यों अरुण जी? बिल्कुल बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो, शांतिपूर्वक लोग रहें, और जो 5 अगस्त कश्मीर है उसके लिए पूरा भारतवर्ष खड़ा होकर के उसे लाने का प्रयास किया जाए। वो आवाज वार्ता हो तो 5 अगस्त कश्मीर की हो, ये तो कश्मीर अब आपका हो गया जी। अमिताभ, 30 सेकंड में फाइनल कमेंट जल्दी से, बस अब हम आगे की बात करनी चाहिए, शांति व्यवस्था बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, ये जैसा कि मैंने निवेदन किया, ये भारतीय राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है और ऐसे तत्व जो कि धारा 370 को हटा के जम्मू कश्मीर का जो पूर्णतया विलय हो गया है, आत्मिक रूप से अभिन्न अंग बन गया है, ऐसे तत्व जो इसका विरोध कर रहे हैं वो उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं जो चाहते हैं कि वहां पर पाकिस्तान के झंडे फिर से लहराए जाएं, वहां पर आईसिस के झंडे लहराए जाएं, वहां मीर वाइज और मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती जैसे नेता पाकिस्तान का धन्यवाद करते हैं कि चुनाव हमारे यहाँ सकुशल सम्पन्न हो गए। ऐसे लोग यासीन मलिक के समर्थक हैं भारतीय राष्ट्रवादी को भी सबक मिलेगा, जो ऐसे विशेष राजनीतिक दल से हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी के जो पाकिस्तान में हीरो बन रहे हैं, उनको भी सबक लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत एक स्वस्थ डिबेट जिस तरीके से आज एक पैनल हमारे साथ आया, दारापुरी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमिताभ जी आपका भी, पवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मोदी और ट्रंप की तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर पाकिस्तान तो जरूर जल भुनकर राख हो गया होगा, क्योंकि ट्रंप ने मोदी की मौजूदगी में सारी दुनिया से ये कड़े संदेश दिया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है और दोनों इसे आपस में सुलझा लेंगे। नमस्कार।